नेक्स्ट पैराग्राफ। किंतु उस दिन यह देख सुबह एक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। जब उस दिन वो डॉक्टर जी भटनागर जी है वो रात को गए थे तो वो लौटे नहीं घर पर, तो उनकी पत्नी को चिंता हुई कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए। पहले उसने सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई। पहले तो उसे लगा कि अभी तक क्यों नहीं आए घर पे, फिर उसे लगा कि हाँ डॉक्टर जो डॉक्टर पेशेंट को देखने गए हैं उनकी हालत गंभीर भी हो सकती है, सीरियस भी हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें लौटे होंगे, ऐसे उसे लगा। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए। अभी उसे फिर से ऐसे लगा कि ज़्यादा देर हो गई होगी तो वो डायरेक्ट मरीज के घर से ही अस्पताल गए होंगे, ऐसे भी उसे लगा। उसे किसे? डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी को। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई, हैरानी मतलब बेचैनी बढ़ गई। जब लेकिन क्या हुआ, जब डॉक्टर घर पर आए ही नहीं तो कुछ लोग उन्हें कुछ मरीज डॉक्टर को पूछने लगे, उनके तरफ इलाज करने के लिए आने लगे। तब जो डॉक्टर की पत्नी थी वो बड़ी बेचैन होने लगी, वो बहुत परेशान होने लगी। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। तो उनकी पत्नी जो है उन्होंने क्या किया कि जो उनके संबंधी थे, उनके फ्रेंड्स थे कि नहीं, जिनके घर में डॉक्टर साहब अक्सर जाते होंगे, उनसे पूछताछ की। लेकिन पूछताछ करने पर भी उनकी पत्नी को कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी थी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए। तो फिर वो अपने मन को समझाने लगी कि नहीं, कुछ दूर के गांव में भी अगर किसी को ज़रूरत होगी, मरीज को देखने के लिए भी गए होंगे डॉक्टर, ऐसे उसे लगा। और वो अपने मन को समझा बैठी कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर जी नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। तो शाम तक उन्होंने वेट किया, उनकी बीवी ने शाम तक इंतज़ार किया कि डॉक्टर आएंगे, लेकिन शाम हो गई तभी भी वो आए नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस कंप्लेंट की। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया था। डॉक्टर भटनागर जी जो है वो अचानक ही गायब हो गए थे तो सबके लिए और पुलिस के लिए भी वो परेशानी का विषय बन गया था। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए, चारों ओर उनकी खोज शुरू हो गई कि भटनागर जी कहाँ है। वायरलेस से मतलब टेलीफोन से या फिर तार से वगैरह संदेश भेज दिए गए कि डॉक्टर लापता है, किसी को मिले तो हमें खबर कीजिए, ऐसा वगैरह संदेश भेज दिया होगा। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। अभी डॉक्टर जी गायब हो गए थे, उनका अपहरण हो गया था, उनको किसी ने किडनैप कर लिया था, ऐसी सनसनी खबर पूरे शहर में जैसे बिजली की तरह फैल गई। बिजली कैसे एक झटके में इधर से उधर जाती है, वैसे ही बिजली की तरह उनकी सनसनी खबर पूरे शहर में फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी, मतलब जो पुलिस उनकी खोज कर रहे थे तो उनकी उन भटनागर जी की बीवी को पूछताछ की होगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो एक ही वो क्लू दे सकी, सूत्र ने क्लू दे सकी कि कौन सा डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। वो क्लू क्या था कि उसने बताया पुलिस को कि डॉक्टर साहब जो गए वो अपनी गाड़ी में नहीं गए थे, उन्हें लेने के लिए कोई दूसरी गाड़ी आई थी, जिनके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे। गाड़ी छोटी होगी क्या? वो नहीं, वो गाड़ी बहुत बड़ी होंगी,
कैसे पहचाना? क्योंकि उन जो गाड़ी के जो टायर के जो चक्के के पहिए को जो निशान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े थे। वो घर के सामने सड़कों पर रोड पर थे और वो जो फुटपाथ पर भी देखे थे। फुटपाथ यानी रोड की साइड की जो जगह होती है वो है फुटपाथ। वो निशान अभी तक सुबह सुबह उनको क्लियर दिख रहे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब मतलब जाहिर था मतलब ये क्लियर था कि डॉक्टर साहब जो है वो ट्रक या बस में गए थे, मतलब बड़ी सी गाड़ी में गए थे। अभी ये जो दूसरा पैराग्राफ है हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।